हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जेड नाम वाले जातक एवं आई नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एवं वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जेड नाम वाले जातक एवं आई नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के दृष्टिकोण को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी की बातों को अनसुना करना या उनकी बातों को काटना पसंद नहीं करते हैं। मित्रों, आपको बता दें, इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के अच्छे समय में या उनके बुरे समय में उनका सपोर्ट, उनका समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट या कोई भी धोखाधड़ी नहीं करते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि इन दोनों की अपने अपने जीवन में इनकी जो भी आवश्यकताएं होती है, इनकी जो भी जरूरतें होती है वो एक समान होती है एवं ये कभी भी अपने जीवन साथी की जरूरतों को अनसुना नहीं करते हैं। अगर इनका जीवन साथी इनसे कुछ भी उम्मीद करता है, इनसे कुछ भी पाने की आशा करता है तो अपने जीवन साथी के उम्मीदों पर, अपने जीवन साथी के आशा को पूरा करने के प्रति ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी की आशा को, उनके आवश्यकताओं को इग्नोर नहीं करते हैं एवं इन दोनों के इस स्वभाव से इन दोनों के बीच में आपसी सहमति, आपसी प्यार बहुत ज्यादा होता है। मित्रों, इसके अलावा यदि हम जेड नाम वालों की बात करें तो जेड नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। ये हमेशा अपने जीवन में अपने साथ रहने वाले सारे लोगों के प्रति बहुत ज्यादा वफादार होते हैं एवं हमेशा अगर ये किसी भी ग्रुप में कुछ भी वार्तालाप करते हैं तो सामने वाले की बातों को, सामने वाले के विचारों को ये पहले सुनते हैं एवं उनकी बातों को सुनने के बाद ही अपना कोई भी विचार देते हैं एवं ये कभी भी किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं। वैसे इसके अलावा यदि हम आई नाम वालों की बात करें तो आई नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा धैर्यवान होते हैं। ये हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बेहद आशावादी होते हैं, अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने समय को बर्बाद करना या अपने समय का मिसयूज करना पसंद नहीं करते हैं। मित्रों, जेड नाम वाले जातक एवं आई नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में वाईटी पुरुषोत्तम को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय महाकाल।